लबालब भरा है यूं दर्दों से दामन, लगाना न दिल से छलक जाएंगे। बहुत प्यार से हमने सींचा है इनको, कहाँ तुमसे जाना संभल पाएंगे। मेरा नाम कौसर मुनीर है और मैं फिल्मों के लिए गीत लिखती हूँ। मुझे लिखने का शौक था, पढ़ने का शौक था और ख़ास तौर से पोइट्री का, कविताओं का, शायरी का शौक था। उन्होंने मुझसे पूछा, भाई गाना लिखोगी मेरे लिए? मैंने कहा हाँ जरूर लिखूंगी। और वो उस गाने का नाम था फलक तक चल साथ मेरे। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। और उसके चलते मुझे फिर काम मिलता गया और मैं रिलक्टेंट लिरिसिस्ट बन गई। हिंदी फिल्मों में मुझे लगता है कि सिर्फ गीत लिखने में नहीं, लेकिन संगीत बनाने में, फिल्में बनाने में औरतों का बहुत अहम हाथ होना चाहिए। धीरे धीरे करके ही औरतें आई हैं इस प्रोफेशन में। और जहाँ तक कि शेरो शायरी, कविता, गीतों का सवाल है, तो ये तो एक एक शौकिया चीज़ मानी जाती है। अभी भी लोग समझते हैं कि ये एक पास टाइम है, एक हॉबी है। मेरा परिवार ऐसा है जो मुझे सपोर्ट करता है, सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, खुशी से करता है। जब और परिवार औरतों को ये फ्रीडम देंगी और एक तरह से खुशहाली का माहौल देंगी, तभी ये हो पाएगा, फिल्मों में हो पाएगा और नेशन बिल्डिंग हो पाएगा। जहाँ भी मर्द हैं और जहाँ भी औरतें हैं, वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट की किस्से हैं। ये एक बहुत ही एक क्रूड बेसिक सा सच है जिससे हमें लड़ना है। और मुझे हमेशा लगता है, ये एक मदर टेरेसा का कोट था कि अगर दुनिया को बदलना है तो पहले आपको अपना घर बदलना होगा। एक फ्रेज है, कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस, वो तोड़ना है। आपके मामा, चाचा, दादा, भाई, काका को बचाना बंद करना है। ये वो एक फैशनेबल हो गया है औरतों के मुंह से सुनना कि भाई नहीं, हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। ऑफ कोर्स नहीं किया जाता है। हमारी एक्ट्रेसेस हैं जो शायद बहुत ज़्यादा काम और मेहनत करती हैं बनिस्बत मर्दों के, उनकी आप पे पैकेट देखिए और टॉप एक्टर्स के देखिए, तो मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे वास्ते चांद तक जाएंगे, कदमों के नीचे जहां लाएंगे, मगर साथ देने का वादा ना लेना, कहां तुमसे जाना बदल पाएंगे।